इसलिए ये डेंजरस कम है। पाकिस्तान की टीम जब जब अनप्रिडिक्टेबल रही है और देवबीन मतलब उनसे डरती है दुनिया। आज कहां से आ जाएंगे मतलब यार? चौथा जो मतलब और कोई एंट्री मार सकता है वो साउथ अफ्रीका ही है। इसके अलावा ना पाकिस्तान है ना श्रीलंका है ना बांग्लादेश है ना नीदरलैंड्स है ना अफगानिस्तान। पाकिस्तान हो सकता है मुझे भी यही लगता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया और पाकिस्तान हो सकता फोर्थ वाला न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में। नहीं नहीं पाकिस्तान को सब राइट ऑफ मत करो मैं बता रहा हूँ। तो सर आपने अभी शुरुआत में कहा था ना कि मैं आप जानना चाहेंगे कि फखर जमान को लेकर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट क्या है। तो वो जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने अटेंड भी की थी तो शादाब क्योंकि वाइस कैप्टन भी हैं और आए भी थे और इंटरेक्शन भी उनसे हुई थी तो मैंने उनसे यही पूछा था कि फखर क्योंकि लास्ट भी नहीं खेले और पिछला वार्म अप भी नहीं खेले लास्ट से मेरा मतलब एशिया कप में ओरिजिनली वो नहीं थे इंजरी होती है तो वो आए थे तो उन्होंने बोला कि वो हमारे एक इम्पैक्ट और मैच विनर है। इवन ये भी एडमिट किया कि उस तरीके के प्लेयर अपने पास है नहीं जो वैसे मैचेस जितवाए तो उन्होंने कहा कि हम बैक करेंगे वो थोड़ा सा भी एक ब्रेक दिया था ताकि मेंटली एक सही स्पेस में रहें। ऐसा है 5 अक्टूबर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें शिरकत कर रही हैं। विक्रांत गुप्ता और दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कहना है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर सबसे टफ टाइम जो टीम देगी वो टीम है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार ऐसी टीमों में होता है जिससे आप किसी भी वक्त कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। जो टीम बड़े बड़े मैचेस बआसानी हार जाती है और छोटे छोटे मैचेस भी हार जाती है, लेकिन जो मैच बाहर होने वाला होता है जिसमें लग रहा होता है कि पाकिस्तान हारेगा और हार के बाहर हो जाएगा उस मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देती है कि वहां से उनकी गुड लक चलती है और वहां से आगे जाते हुए पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप अपना नाम कर लेते हैं। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान टीम की जो गुड लक थी वो चल पड़ी है क्योंकि पहला वार्म अप मैच वो हारे हैं बुरी तरह, लेकिन दूसरे वार्म अप मैच में इतनी शानदार स्कोर किए हैं उसका बाबर आजम का साथ दिया इफ्तिखार अहमद ने, उसके साथ साथ अगर अगले किसी भी मैच में वो बाबर आजम का साथ दिया इफ्तिखार अहमद ने और मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने अपनी पार्ट टीम जारी की तो उसके बाद इतना बड़ा टोटल बन जाएगा कि पाकिस्तान को हारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को तो पता है कि वो अच्छा खेलती हैं और जीत जाती हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पता है कि वो टफ टीम है वो अच्छा खेलेंगी और जीत जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान का कोई आइडिया नहीं। इसलिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी परफॉर्म कर सकती है। अगर आप उम्मीद लगाएंगे पाकिस्तान परफॉर्म करेगी तो जीरो पे आउट हो जाती है, और अगर इससे उम्मीद लगाएंगे कुछ नहीं करेगी तो इतनी परफॉर्मेंस अच्छी देती है कि दूसरी टीम देखकर ही हैरान रह जाती है। स्पिनर है नहीं बीच में विकेट टेकिंग, सिमिलरली उनकी बैटिंग है। आपको मालूम है बाबर ने बनाने 500-700 रन, रिजवान भी बनाएंगे। उनको अपने रन बनाने बैटिंग करना बहुत जबरदस्त तरीका है और बाबर की तो यार मैं बैटिंग देख देख के हैरान होता हूँ, रिस्क फ्री बैटिंग करते जैसे विराट ने शुरू में। बट उस दिन देखना होगा कि सामने टाइट गेम चल रही है और अच्छी टीम है और टीम इन पर चढ़ी हुई है, वो अपने रन तो बनाएंगे उनको आता तरीका नहीं है बट सामने वाला क्या एक हारिस राउफ है। हारिस राउफ तो चलो ठीक है उनको एक मैच में पिटाई हो गई, आई डोंट रीड टू मच इनटू दैट, बहुत दिक्कत। आई थिंक हसन अली को तजुर्बा, बट स्पिनर क्या शादाब और नवाज जो T20 में पाकिस्तान की बॉलिंग बेस्ट थी T20 में, हाँ। बट वो T20 वाली बॉलिंग वनडे में नहीं चलेगी। तो मैंने ये चार चुने और फिर मुझे पूछा गया फाइनल, मैंने कहा यार मोस्ट लाइकली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। न्यूजीलैंड में डार्क हॉर्स बार बार कह रहा हूं, हालांकि जो टीम भाई दो फाइनल खेल के आई हो पिछले वो डार्क हॉर्स में नहीं है क्वालिफाई करते, बट वो इसलिए करते क्योंकि वो लाइन ना क्रॉस नहीं कर पाते। Somehow, 2000 में उन्होंने वो चैंपियंस ट्रॉफी नैरोबी में जीती थी, दे हैव नॉट वन एनी आईसीसी टूर्नामेंट। वो भी इंडिया वाला गेम था, क्रिस इंडिया से हार गए, क्रिस केन्स ने और अनिल कुंबले के एक ओवर में मार दिए थे, वो इंडिया ने मैच जीत जाना था। तो इसीलिए मैं न्यूजीलैंड को मान रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी टीम है, इंग्लैंड बड़ी अच्छी टीम है, इंडिया के बाद अगर कोई वर्ल्ड कप जीत सकता है मेरे माइंड से एंड आई कुड बी रॉन्ग इज न्यूजीलैंड। मार्टिन क्रो जहां से भी देख रहे होंगे वो बड़े खुश होंगे। न्यूजीलैंड के पास एक दिक्कत है, नीचे उनकी भी बैटिंग नहीं है। नहीं बट नीचे अगर सर देखो एज ऑफ नाउ अगर उनकी 11 बनाते विदाउट चीता फील्डिंग, हाँ चीता फील्डिंग चीता कैचिंग हाफ, उन्होंने एक आधा हाफ चांस विकेट में कन्वर्ट करना है, एक आधा उन्होंने रनआउट मारना है। और इस टूर्नामेंट का मैं पूरी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, टॉप स्पिनर्स में से एक है मिचेल सैंटनर, वो बहुत इतना सयानफ से बॉल डालते हैं यार, उन्होंने मैंने देखा उस दिन वो स्लो बॉल फेंक रहे हैं, बॉल टर्न हो रहा है, कमाल है यार। सैंटनर का ये कि सर जो जिस लेवल की वो बॉलिंग करते हैं ना उनका ये होता है कि जैसे फाइव या ऐसा होता है ना कि स्पेल आता है एक तो वो तब आप उस बॉलर का लेवल, बट सैंटनर की स्ट्रेंथ ही है कि वो
थोड़ा सा भी अगर उनको मिल जाए परचेज विकेट से तो किसी की भी हालत खराब कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की हम क्योंकि बात करते हैं, एक बार हम इनकी वो देख लेते हैं जो हम 11 की बात करते हैं, सदैव अगर वो वाला स्क्वाड होगा, अगर सर सपोज इनका जो हमने एक अलग से बनवाया था विदाउट विलियमसन, अगर इनकी हम 11 देख रहे हैं जो हम अभी बात करें कि इनकी जो डेप्थ और उस लिहाज से भी देखेंगे, तो आई थिंक बैलेंस वाइज इनकी टीम सही है क्योंकि उन मैचेस में ये खिलाएंगे रचिन रविंद्रा को।